तरफ झुका देंगे तो आगे चल जाए। देख देख सकते रुक गई है आप, सिर्फ एक ब्रेक लग जाता है। और दोस्तों अगर आप अपने आयरन को ऊपर उठा देना मतलब पीछे चल जाएगी। हेलो गाइज, गाइज आज हम अनबॉक्सिंग या टेस्टिंग करने वाले एक मिराना रिमोट कंट्रोल यूएसबी चार्जिंग हैंड कंट्रोल रिमोट के साथ आने वाली दोस्तों ये मिराना कारगी जाता है। इसका रेड कलर बॉक्स पे ही और ये आ जाता है दोस्तों इसका येलो कलर। और दोस्तों आप इसको ब्लू एंड दोस्तों ब्लैक में भी मंगा सकते हैं। दोस्तों पहले इसके फीचर बता दूंगा आपको। इसके फीचर मिल जाते हैं 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें देखने को मिल जाती है दोस्तों। 1.5x की हाई स्पीड बूस्ट के साथ में बूस्ट का फीचर भी इसके रिमोट में ही मिल जाएगा हैंड कंट्रोल वाले में। और दोस्तों 1200mAh की एक लो एंड बैटरी इसके साथ मतलब जो बटन वाले आते थे। और दोस्तों ये इसका सी टाइप सी यूएसबी चार्जिंग पॉइंट चार्जर मिल जाता है इसके साथ में। प्रोफेशनल स्पीड कंट्रोल रिमोट वो 4+ के अबोव के बच्चों के लिए साइज काफ़ी बड़ा है दोस्तों। तो फटाफट से इसके ऊपर का बॉक्स निकल जाता है तो देख सकते हैं दोस्तों। और ये अंदर वाला हमारे मिल जाता है मिराना का बॉक्स। और तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं इसको निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको बाय किया अमेजोन से। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये आ जाती है हमारी कार फर्स्ट लुक में दोस्तों। हमारी ऊपर रखी मिल जाती है हमारी कार। तो दोस्तों पहले हमारी कार इन लोगों ने सबसे ऊपर रख रखी है दोस्तों। तो दोस्तों इसको मैं फेंक देता हूँ दोस्तों साइड में। और ये आ जाता है इसका रिमोट वाला पार्ट दोस्तों। ये रिमोट आ जाता है दोस्तों कुछ ऐसी लगती है जैसी वॉच हो दोस्तों, हैंड वॉच। तो हैंड वॉच जैसे इसका हैंड कंट्रोल रिमोट है दोस्तों। ये कुछ अलग ही मिल जाता है इसका अलग से। उस ये मिल जाता है इसका चार्जर मतलब जिसको चार्ज करने वाला है वाइट कलर का। वो कुछ स्टिकर भी मिल जाएंगे दोस्तों आपको, कुछ नंबर ट्रेसर के भी जो इस कार पर आप लगा सकते हैं। और ये दोस्तों पीस का पेपर मेन्यू मतलब इसके ऊपर बताया इसके फीचर एंड सब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों चलिए बॉक्स को रखते हैं साइड में। तो दोस्तों ये आ जाता है इसका फर्स्ट लुक हमारी कार का। तो इसके ऊपर हमें पॉलिथीन मिल जाती है दोस्तों बिल्कुल न्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो आपको कैसी लगी देख सकते हैं फर्स्ट लुक में देख सकते हैं। इसके ऊपर चिपकी हुई थी दोस्तों और ये बिल्कुल न्यू कंडीशन एक चमचमाती हमारी मिराना का दोस्तों आ गई है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है दोस्तों। रेड कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं इसके बात कर लूँ एक सनरूफ की और बैक मिरर काफ़ी ज्यादा ड्रग दोस्तों। सारे के सारे जिस कहाँ भी इसके अंदर मिरर का यूज़ किया है मतलब सनरूफ में भी और फ्रंट मिरर साइड मिरर दोस्तों दो विंडो वाली मिरर भी तो मतलब ज्यादा ही डार्क ब्लैक में देखने को मिलती है। और बिल्ड क्वालिटी भाई साहब इनकी जबरदस्ती होती है दोस्तों। मेड इन इंडिया मैनुफैक्चर कंपनी है दोस्तों। मेड इन इंडिया की कार है दोस्तों मतलब मिराना कार दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मतलब ओडी वाला जैसे आगे से ओडी होती है दोस्तों ऐसे डिजाइन देखने को मिल जाती है। और ट्रांसपेरेंट लाइट के अंदर हमें बल्ब दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। दो बल्ब देखते हैं वर्क करते हैं या नहीं। तो कार दोस्तों काफ़ी अच्छी है और कार का प्राइस भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मिल जाते हैं दोस्तों। पूरी दोस्तों हमें ये कार मिल जाती है पूरे 216 रुपये के अंदर मतलब बैग में दोस्तों। एक डिजाइन से मिल जाता है टेक्सचर जैसा अंदर की ओर। तो नंबर प्लेट में कुछ लिखा नहीं मिलता दोस्तों। इसके अंदर भी देखते हैं हमें बल्ब मिलते हैं नहीं क्या। बैग में लाइट नहीं मिलती ऐसी लाइट बनी हुई है मतलब साइड से कहीं से भी दोस्तों। आप इसकी प्लास्टिक को देख सकते हैं दबा भी नहीं सकते मतलब बेकार सी प्लास्टिक नहीं देगी हल्की वाली प्लास्टिक होती है। और दोस्तों वेट इसका बहुत ज़्यादा वेट हो गया दोस्तों। 500-700 ग्राम इसका वेट आ जाता है दोस्तों। टायर प्लास्टिक है पर टायरों पर हमें दोस्तों रबड़ मिल जाती है दोस्तों। 4x4 टायर पर रबड़ है दोस्तों बेकार से टायर नहीं लगाए हुए पटाया दोस्तों। आप दबा नहीं सकते रबड़ है दोस्तों। और ये मिल जाता है इसका एडजस्ट व्हील मतलब इधर दोस्तों ये एडजस्ट व्हील मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे की ओर मिल जाता है दोस्तों देख सकते हैं लेफ्ट में कर देंगे तो आपके कार लेफ्ट में टर्न हो जाएंगे। और अगर आप इसको राइट में कर देते हैं दोस्तों इधर की तो राइट में टर्न हो जाते हैं मतलब ये भी हमारा सही मिल जाता है इस कार को। तो दोस्तों पहले ये चेक कर लें सही नहीं है। अगर आपके डैमेज मिलते हैं दोस्तों ये राइट लेफ्ट में नहीं अच्छे से टर्न करते तो मतलब आपकी कार डैमेज है दोस्तों। आप इसको रिटर्न कर सकेंगे। रिटर्न पॉलिसी दोस्तों आपको मिल जाएगी। आप स्टिकर लगा सकते हैं दोस्तों। और साइड में वो भाई देख सकते हैं रबड़ के हैं बिल्कुल अच्छे लगते हैं दोस्तों। रबड़ के मतलब अच्छा काम किया है रबड़ के हम दे दिए यानी बहुत सी कार में प्लास्टिक देते और खुद की बॉडी से बनाते हैं वो बिल्कुल बेकार लगते हैं। तो दोस्तों कार काफ़ी अच्छी है। विंडो ओपन इसकी आप नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पर रबड़ का दोस्तों हैंडल पे भी दोस्तों जिससे हम अपनी विंडो ओपन करते हैं दोस्तों वहाँ भी रबड़ का यूज़ किया है मतलब कार बहुत ही अच्छी है जो वजह से टूटने टाटने वाली नहीं है दोस्तों। बैटरी आप इसकी अलग से नहीं निकाल सकते मतलब ऑटोमेटिक इसके अंदर फिट कर दिए इन लोगों ने। तो देख सकते हैं चलिए मैं नीचे की डिटेल बता दूँगा आपको दोस्तों। तो नीचे आ जाता है इसका ऑन ऑफ के लिए स्विच दोस्तों। अब एक रेड कलर का लंबा स्विच हो गया दोस्तों। तो थोड़ी देर इसको आपको प्रेस करना हो जब ये ऑन होती है दोस्तों आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑन हो गई देख सकते हैं दोस्तों। जलने बुझने लगी है मतलब ब्लू कलर की लाइट। ब्लू कलर की लाइट्स के साइड में लिखा मिल जाता है हमें पावर। और जब आप इसको चार्जिंग करेंगे दोस्तों एक बल्ब और मिल जाएगा देखते हैं क्या वर्क करता है तो आपको पता लगेगा चार्जिंग बाद। और दोस्तों ये मिल जाता है इसका डीसी इनपुट मतलब 5W 2A का दोस्तों। ये मिल जाता है इसका चार्जर वाला पार्ट। दोस्तों मैं आपको इसको दिखा दूँ चार्जर वाला पार्ट भी दोस्तों एक बार मैं दिखा देता हूँ। मतलब ये ऐसे लग जाती है और दोस्तों ये आपको अपने मोबाइल चार्जर में लगाना होगा मतलब इधर से टाइप सी वाले। तो जब ये आप इसको चार्ज कर सकते हैं दोस्तों तो एक टाइप सी वाला चार्जर है दोस्तों जो यूज़ कर सकते हैं। लिखा मिल जाता है मेरा टॉय मेड इंडिया मैनुफैक्चर दोस्तों। ये इनकी वार्निंग लिखी मिल जाती है स्पेसिफिकेशन कुछ दोस्तों ये भी पढ़ सकते हैं आप। तो ये आ जाती है इसकी चार्जिंग डाटा को भाई चार्जर की देख सकते हैं डाटा केबल की क्वालिटी कितनी जबरदस्त है मतलब बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी है दोस्तों। ये आ जाती है इसका रिमोट दोस्तों। थोड़ी सी रिमोट है दोस्तों हैंड कंट्रोल दोस्तों। इसकी प्लास्टिक थोड़ी सी बेकार सी मुझे लगी दोस्तों बीच वाले की मतलब ये तो रबड़ के मिल जाते हैं दोस्तों। ये पार्ट बीच वाला प्लास्टिक का मिल जाता है दोस्तों। दो बटन इधर मिल जाते हैं दो बटन इधर और एक बटन दोस्तों ये मिल जाता है इस पर लिखा मिल जाता है हमारे मोड। तो मोड देखते हैं चेंज होता है नहीं दोस्तों। एक बटन बीच में मिल जाता है ऑन ऑफ के लिए मिलने वाला है और ये हमारा कुछ नहीं है दोस्तों। लाइट वर्क करने वाली है और दोस्तों जो ऊपर के बटन में भी लाइट जलने
करने वाली है। और दोस्तों ये आपको फिंगर में लगाना होगा दोस्तों, इसमें जो मैं आपको बताऊँ जिससे आप इसको आगे चला सकते हैं। और ये आपकी लाइट ऑन ऑफ करने के लिए लाइट इंडिकेटर के रूप में वर्क कर रही है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके रिमोट में भी सेल डलने वाली है दोस्तों, आप सोचेंगे इसके अंदर सेल कहाँ डलेंगे, तो कौन सी सेल डलेंगे, उसके अंदर थोड़ी बारीक वाली सेल आ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये इसकी सेल, इस रिमोट के अंदर भी दोस्तों हमारी सेल डल जाती है। तो चलिए फट में गया, तो आप इसके अंदर रिमोट के अंदर भी सेल डाल कर दोस्तों। तो दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, डिटेल के साथ हम आपको बता दें। सभी को वीडियो कट ना करें, नहीं तो आपके से नहीं चलेगी दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों अंदर इसके अंदर बैटरी कंपार्टमेंट में इसके सिस्टम मिल जाते हैं दोस्तों। तो इनके अंदर लगा दिए सेल, तो देखते चलिए जल्दी फटाफट से देख लेते हैं। तैयार है दोस्तों, मैंने इसके अंदर बैटरी प्रॉपरली लगा दिए। चलिए इसको कर लेते हैं दोस्तों ऑन। दोस्तों ऑन कर लिए, और दोस्तों इसके रिमोट को कैसे ऑन करना है दोस्तों आप देख सकते हैं। ओ भाई ऑन हो गई दोस्तों, रेड लाइट चालू हो गई है दोस्तों आप देख सकते हैं। और देखते हैं दोस्तों अब इसको चलाकर एक बार, और दोस्तों देखते हैं मोड में क्या होता है दोस्तों। ओ भाई चलने लगी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ, आप इसको आगे की तरफ झुका देंगे तो दोस्तों आगे की तरफ चलने लगेगी, और अगर आप हैंड दोस्तों ऊपर उठा देते हैं दोस्तों पीछे की तरफ चलने लगेगी। और दोस्तों आप देख सकते हैं, ओ भाई राइट एंड लेफ्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब राइट लेफ्ट में कह जाएंगे दोस्तों, और अच्छे से हम आपको टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं बाहर। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ग्रीन लाइट हो जाती है, ब्लू दोस्तों, रेड, बहुत सी लाइट्स हमें इसके देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, इसमें स्पीड मिलती है और इसकी रिमोट, मतलब जो हैंड कंट्रोल का रिमोट मिल जाता है, इसकी रेंज हमें कितनी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं टेस्टिंग। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे ऑन मिलता है, मतलब हैंड रिमोट इसका। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इसकी कार को भी ओपन कर लेते हैं हम, अपनी मिराना कार को भी दोस्तों, जैसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं। तो देख लेते हैं चलती है नहीं, ओ भाई चल पड़ी है दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये आ गई हमारी मिराना कार, और ये हमारा हैंड कंट्रोल रिमोट। तो दोस्तों मैं पहली बार चला रहा हूँ इसका हैंड कंट्रोल को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों फुल देखें, फुल फन होने वाला है दोस्तों। कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे चलेगी, और कैसे राइट में घूमेगी, कैसे लेफ्ट में घूमेगी, और कैसे आगे चलेगी, और कैसे पीछे। चलिए दोस्तों देख लेते हैं एक बार। तो अगर आप अपनी मुट्ठी को दोस्तों आगे से आगे की तरफ झुका देंगे तो आगे चल जाए, देख सकते हैं रुक गई है, आप देख सकते एक ब्रेक लग जाता है। तो अब देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छे से राइट लेफ्ट में टर्न कर लेती है। और दोस्तों जो इसका स्पीड बूस्टर हमें मिल जाए ए नाम से, देख सकते हैं दोस्तों इसकी स्पीड से हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, देख सकते हैं दोस्तों। ओ भाई क्या तकड़ी स्पीड, मतलब इससे स्पीड बढ़ जाती है दोस्तों, गोल गोल घूमने लगी दोस्तों बहुत फास्ट। मतलब जो ए नाम दोस्तों आप देख सकते हैं आगे मिलता है, मतलब इसी स्पीड बूस्टर इसका ए, और ये सेल्फ लाइट ऑफ कर सकते हैं बी वाले से। और दोस्तों आप देख सकते हैं थोड़ी दोस्तों स्लो मिल जाती है, पर दोस्तों राइट राइट में घूमने लगी दोस्तों, राइट की तरफ अपने हैंड को आपको झुकाना होगा। और दोस्तों थोड़ी सी रेंज में थोड़ी प्रॉब्लम करती है, स्लो चलता है वैसे तो दोस्तों, पर थोड़ा मजा आ रहा है दोस्तों आप देख सकते हैं। पीछे की तरफ अगर आप अपनी मुट्ठी को पीछे उठा देंगे नू ऐसे, तो पीछे चलेगी दोस्तों आप देख सकते हैं, और आगे झुका देंगे आगे की ओर। और राइट लेफ्ट में तो दोस्तों ऐसे टर्न कर लिए, राइट लेफ्ट में थोड़ा स्लो टर्न करती है दोस्तों ये देखने में वैसे, पर जो स्पीड बूस्टर के देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी दोस्तों आप देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों, तो स्पीड बूस्टर देने के बाद ही ज़्यादा तेज चलती है, ऐसे दोस्तों इतनी नहीं चलती। तो राइट लेफ्ट में दोस्तों मुझे बहुत ही मज़ा इसको चलाने में काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों, मुझे थोड़ी सी स्लो मिल जाती है मैं राइट लेफ्ट के टाइम पर दोस्तों। ये मतलब इसका जो हैंड रिमोट है दोस्तों काफ़ी अच्छा बनाया है मिराना वालों ने। तो पहले एक रिमोट वाले दोस्तों ठीक ठाक है, गोल गोल भी ठीक अच्छे से घूम लेती है हमारी मिराना कार।